गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब भी हम वेजिटेबल्स लगाते हैं, स्पेशली जब ये लौकी या करेले इस टाइप के प्लांट्स, तो हमारे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा प्लांट ग्रोथ तो अच्छे से करता रहता है, जो सिंगल स्टेप जाती रहती है, पर हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे प्लांट में अभी लौकी नहीं आई, इतना बड़ा प्लांट हो गया, अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है, पर फ्लावर क्यों नहीं आ रहे इसमें, फिर लौकी क्यों नहीं बन रही इसमें। तो आज हम जो है उसी टॉपिक पर बात करेंगे, और उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट मिल जाएगी एक ही वीडियो में। हम कैसे पॉलिनेशन करें, कैसे हम उसकी लौकी के जो फीमेल फ्लावर है उसको लाने के लिए क्या करना है, किस तरीके से उसकी प्रूनिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, जब भी आप किसी प्लांट लगाएं अपना, तो उसकी सिंगल स्टेम है, जैसे मेरा ये लौकी का प्लांट है, इसकी ये एक सिंगल ब्रांच जा रही है यहाँ पर जैसे इस तरीके से। तो इसको जो जब ये इस हाइट पे पहुंच जाए, मतलब अप्रोक्स आपकी ये 6-7 फीट की हाइट है इसकी, तो जब इस हाइट पे पहुंच जाए इसको, तब आपको क्या करना है, इसकी यहाँ से प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग क्या करनी है, प्रूनिंग में करना क्या है उसका, या तो आप इससे कैंची से कट कर दें, या फिर हाथ से इसको आप पिंच कर दें इस तरीके से, वो कर सकते हैं इसमें। प्रूनिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, एक चीज़ और, ये नीचे के जो भी पत्ते आते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी जैसे इस तरीके से पत्ते थे, ये सब इनको आप हटा दो। ये सारे जो भी है, 4-5 जैसे लीफ है इनकी, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो गए, इन सबको हटा दो। ये सब भी यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। आप नीचे से इसमें कोई भी ब्रांच अभी निकलने मत दें, कम से कम भी 4 से 5 से 6 तक आप इसमें कोई ब्रांच नहीं निकलने दें, ये जो नोड एरिया होता है इसमें। हमें जो ब्रांच निकालनी है वो इनके ऊपर की साइड से निकालनी है अपनी, और ये इससे बेनिफिट क्या होता है, ये जो सॉइल होती है यहाँ पे, उसमें अच्छे सनलाइट अच्छे से पड़ती है, तो कोई बैक्टीरिया वगैरह लगने का कोई चांस कम होता है, यहाँ पे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है, उसमें जो एयर सर्कुलेशन होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन का जो भी सर्कुलेशन चलता रहता है वो प्रॉपर तरीके से होता है। तो आप नीचे की लीफ हटाइए, उसकी जो ग्रोथ करनी है आपको ऊपर की साइड ग्रोथ लेनी है इसमें आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने प्रूनिंग करी थी उसके बाद का फायदा क्या हुआ, ये मैं इस प्लांट पे भी दिखाऊंगा, उसके अलावा मेरे जो दूसरे प्लांट लगे हुए दूसरी साइड में वहां पे भी दिखाऊंगा, तो आपको खुद को रिजल्ट दिखेगा उसमें। ये देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसको कट करा था, ये ऑलमोस्ट 6-7 दिन हुए होंगे इसको कट करे हुए मैंने, क्योंकि मेरा ये था कि इसमें इस टारगेट था कि यहाँ तक इस हाइट पे लूंगा मैं। आप चाहो तो इससे थोड़ी कम पे भी कर सकते हैं, इसे यहाँ तक भी कर सकते हैं, मतलब इससे 10 से 12 नोड पे आपको इसको कट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं इससे नोड से। मैंने यहाँ पे कट करा इसको, तो उसके बाद इसमें हुआ क्या, यहाँ से एक ब्रांच निकली, ये देखिए आप, तो ये जो ब्रांच निकली इसमें फीमेल फ्लावर आया है यहाँ पे, ये देखिए। अगर हम सिंगल स्टेम अगर चलने देंगे यहाँ पे, जैसे ये वाली स्टेम चल रही थी, इसको मैं कंटिन्यू ग्रोथ करने देता, इसको कहीं कट नहीं करता, तो होता क्या, जो फ्लावर का रेशियो होता उसमें अप्रोक्स 80-90% जो फ्लावर आते हैं वो मेल फ्लावर आते हैं, और 10% या 20% जो फ्लावर आते हैं वो फीमेल फ्लावर आते हैं। तो आपकी जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो तो होती रहती, पर जो आपको जो फ्रूट चाहिए उसमें, जो फल चाहिए उसका, वो नहीं मिल पाता उसमें। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है प्रूनिंग, सिंपल सा वैसे वे होता है प्रूनिंग का, उसको हम कई बार 3G कटिंग, 2G कटिंग की तरह भी हम समझते हैं, जो वीडियो में दिखाते हैं कई जगह ने, तो उसको सिंपल वे में हम समझे तो प्रूनिंग ही है। प्रूनिंग हमें करने का फ़ायदा क्या होता है, उससे हमारे जो प्लांट्स की ब्रांचेज मल्टीप्लाई होती है, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज मल्टीप्लाई होगी उतना ज़्यादा उसमें फ्रूट्स आएंगे, उतने ज़्यादा उसमें फ्लावर्स आएंगे, तो ऑटोमेटिक सिंपल सा तरीका है वो। ये तो हुई यहाँ से प्रूनिंग। अब जैसे सपोज करें ये वाली जो मेरी ब्रांच निकली, अब इसकी जैसे हाइट ऑलमोस्ट इसकी भी 3-4 फीट हो जाएगी, या फिर 8-10 नोड एरिया तक बन जाएगा ये, मैं उसको वहाँ से भी कट कर दूंगा। उसके बाद उसमें से जो साइड ब्रांचेज निकलेगी, तो उसमें और ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स का रेशो बनेगा। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा उसको बूशी बनाएंगे, जितना ज़्यादा उसकी ब्रांच को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हर नई ब्रांच में फीमेल फ्लावर का रेशो बढ़ता जाएगा। इसमें से 70-80% मेल फ्लावर थे और 10-20% फीमेल फ्लावर थे फर्स्ट में, इसमें आपको रेशो ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें 30-40% उसका फीमेल फ्लावर का रेशो बन जाएगा, उसके बाद जो आएगा उसमें और ज़्यादा बनेगा, तो इस तरीके से वो बनता जाएगा। तो आपका एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी कि आपका फीमेल फ्लावर क्यों नहीं आ रहे, लौकी क्यों नहीं बन रही, ये तो इस तरीका हुआ इसका। ये दूसरा वाला जो प्लांट है, इसको भी मैंने यहाँ से कट करा है, देखिए ये वाली चीज़, ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ से कट करा है, तो अभी ग्रोथ कर लेगा जल्दी से ये। और आप इसमें रेगुलर इंटरवल में आप जो भी न्यूट्रिशंस देते हैं इसमें ऑर्गेनिक दें, इसकी सॉइल में दें, इसकी पत्तियों पर स्प्रे के थ्रू दें, फोलियर स्प्रे के थ्रू, जैसे भी आप देते हैं वीकली बेसिस पे, वो रूटीन में चलता रहना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें फ्रूट्स बनना है तो ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, खाद ज़्यादा चाहिए इसमें। इसके अलावा मैं जो दूसरी लोकेशन है वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस पर क्या फ़ायदा मिला मुझे। तो चलते हैं अपन अपनी दूसरी लोकेशन पे, वो मैंने उधर लगा रखी है, ये बीच में इधर पॉर्चुला का बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है यहाँ पे, इसकी बर्ड्स आप देख सकते हैं, मैंने अभी थोड़े दिन 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था इस पर, इसको फ्लावरिंग पे किस तरीके से लाएं।
यहाँ वाला जो दिखाता हूँ मैं इसको, ये वाला प्लांट है मेरा, इसकी मैं प्रूनिंग का आपको दिखाता हूँ अंदर से, अच्छे से प्रॉपर दिख जाएगी वहाँ पे मैंने कहाँ से करी इसमें। ये देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट आ रहा है वो नीचे से आ रहा है यहाँ पे, और मैंने इसको यहाँ से कट करा था इस जगह पर से, तो उसके बाद जो इसमें से साइड ब्रांच निकली वो ये रही, ये वाली ब्रांच निकली और ये होती होती यहाँ से जाते जाते इस जगह पर जा रही है, और इसकी हाइट यह दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ तक आ गई अभी ये। अब मैं इसको यहाँ से भी कट कर दूंगा ऊपर से, क्योंकि सफिशियंट हो गई इसकी ब्रांच। उसके बाद जो नई ब्रांचेस निकलेगी वो ज़्यादा उसमें से फ्लावर्स निकलेंगे। अब मैं इसको फ्लावर्स दिखाता हूँ आपको, ये कहाँ निकलने वाले हैं, ये देखिए ये रहा, ये रहा यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे है ये, इस तरीके से इसमें सारे जो नोड आ रहे हैं उसमें नए नए उसमें सब में फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो अब देखते हैं वो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर कितने निकलते हैं इसमें। यहाँ पे भी मैंने जैसे ये वाला एक लौकी का प्लांट है मेरा, इसको भी मैंने यहाँ से कट करा है, अभी ये दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको कट करा है, तो इसमें साइड ब्रांचेस कितनी जल्दी निकलने लग गई। तो अब इसका रिजल्ट देखेंगे, साइड ब्रांचेस जितनी जल्दी निकलेगी उसके बाद उसमें लौकी बहुत जल्दी आएगी, फीमेल फ्लावर आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने 4 से 5 लौकी के प्लांट लगा रखे तो उसमें से एक जो प्लांट है उसको पूरी ग्रोथ करने दीजिए, ताकि उसमें जो मेल फ्लावर निकलेगा वो हमारे आगे काम आएगा पोलिनेशन के लिए। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने अभी से इस वाले प्लांट को मैंने अभी कट नहीं करा, तो मैं एक प्लांट छोड़ दूंगा इस तरीके से, और बाकी को मैं जो प्रूनिंग का तरीका है जैसे 2G कटिंग 3G कटिंग जो भी हम बोलते हैं उसको, जैसे भी सिंपल वे में जैसे समझ सके उसको वैसे हम करें, तो वो चीज़ मैं करूँगा बाकी में। अब हम बात कर लेते हैं कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपना दूसरा, जहाँ पे मेरे फीमेल फ्लावर आ रहा है और मेल फ्लावर आ रहा है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी अपना बताया था उस चीज़ को, पर ये मैं कंप्लीट बनाना चाह रहा हूँ वीडियो, थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए ये वीडियो, तो आप पूरा देखिए इसको। ये देखिए यहाँ पे तो हमें प्रॉब्लम आती है इसमें आइडेंटिफाई करने में कि फीमेल फ्लावर कौन सा है मेल फ्लावर कौन सा है, क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा उसमें। तो ये जो हमारी छोटी सी लौकी बन रही है ये तो हुआ हमारा फीमेल फ्लावर, और ये जो बन इस तरह का फ्लावर बन रहा है जिसमें पीछे की तरफ देखिए लौकी नहीं है इसमें, सिर्फ फ्लावर का शेप है ये, तो ये हुआ हमारे मेल फ्लावर। ऐसे आइडेंटिफाई हम इसको कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और ये जो लौकी बनी इसके ऊपर भी एक फ्लावर बना हुआ था जब बंद हो चुका है, इस तरह से मुरझा गया ये। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इसको पॉलिनेशन कैसे करें, तो पॉलिनेशन का या तो तरीका होता है जो इससे ये मधुमक्खी होती है या फिर चींटियाँ होती है या फिर बटरफ्लाई होती है, एक तो वो पॉलिनेशन कर देते हैं। अगर वो आपके यहाँ पे एरिया में कम है तो हम सबसे बढ़िया हम हैंड पॉलिनेशन करें, क्योंकि हम घर में इतना स्पेस होता है आराम से हम कर सकते हैं, लिमिटेड प्लांट्स होते हैं तो हम हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। बाकी किसान वगैरह तो वो इतना एक एक प्लांट को कैसे करते हैं वो अलग तरीका उनका। बाकी जैसे अब मैंने तो जो करा था वो हैंड पोलिनेशन करा था, तो मैंने क्या करा, जो मेल फ्लावर एक खुला हुआ था वो उस टाइम जो था वो बंद था, तो मैंने उसको खोला और इसका जो पोलन होते हैं ये वाली चीज़, ये देखिए ये पोलन होते हैं इसमें, इसको मैंने जो फीमेल फ्लावर है उसके जो अंदर यहाँ पे होते हैं ये पोलन, इसका भी देखो इस तरीका बनता है, उसमें मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। आप इसको डायरेक्ट या तो फ्लावर को कट करके डाल सकते हैं या फिर ईयरबड्स वगैरह आती है उससे आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से देखना आप येलो येलो इसमें कुछ दिखेंगे आपको, ये देखिए जब एकदम फूल ऐसा बंद सा हो तब आप उसको लीजिए, क्योंकि ना फ्रेश होता ही, अगर थोड़ा सा भी आप इसने ऐसा इस कंडीशन में आ गया आपने तो वो किसी काम का नहीं रहेगा फ्लावर, तो आप डेली आपको नोटिस करना पड़ेगा जिससे आपके फ्लावर आएंगे उस टाइम पे। तो ये करके देखिए, आई होप ये मेरे लौकी अच्छे से डेवलप हो जाए, अभी फर्स्ट प्लांट है, फर्स्ट लौकी है मेरे इसकी है। अभी इन प्लांट्स पे जो सब्जियों के प्लांट होते हैं इन पर थोड़े से कीड़े वगैरह ज़्यादा लगते हैं, जो सुंडी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो रेगुलर बेसिस पे आप अगर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहे या फिर वो जो आपके लहसुन वगैरह का अदरक का जो पेस्ट का मैंने बताया था वो करते रहे, और तो उससे क्या आपके कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे इसमें, क्योंकि बीच में मेरे भी इसमें करेले के प्लांट में लग गए थे, अभी वापस से अच्छी ग्रोथ होने लग गई इसमें, मैंने सारी उसकी लीफ हटा दी थी, तो ये आप ध्यान रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लगते हैं इनमें प्लांट में, इससे प्रॉब्लम आती है। तो ऑर्गेनिक में आप हर 3-4 दिन में करते रहिए, रेगुलर बेसिस पे आप इसमें फर्टिलाइजर दीजिए, जो भी आप काउडंग लिक्विड देते हैं, वर्मी कंपोस्ट देते हैं या उसका लिक्विड देते हैं या फिर मस्टर्ड केक का लिक्विड देते हैं, सरसों की खल का जो लिक्विड होता है, और जो भी आपका ऑर्गेनिक बनाते हैं तो वो सब देते रहिए उसमें। ये देखिए इसमें चींटियाँ वगैरह कितनी आती है इस प्लांट में, वैसे ये हेल्प करती है पोलिनेशन में, तो मैं इसको हटाने का ऐसा कुछ करता नहीं इसलिए, क्योंकि जब एक मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में जाती है ऑटोमेटिक ट्रांसफर करती है, तो इनके पैरों पे क्या वो पोलन लग जाता है, तो उससे वो फिर पोलिनेशन हो जाता है, तो आप ये कर सकते हैं।
तो ये कुछ ऐसी चीजें, प्रूनिंग हुआ, पॉलिनेशन हुआ, अगर ये चीजें प्रॉपरली आप नहीं करेंगे तो आपको कितना भी कर लें लौकी नहीं आएगी। अगर इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो ये कितना भी आप ट्राई करने पर भी ये डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, प्रूनिंग करिए, जैसे ब्रांचेस की इतनी बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाइए। ये नॉर्मली हर प्लांट के साथ होता है, अगर आपको बुशी करना है किसी प्लांट को तो टाइम टू टाइम प्रूनिंग करिए। मैं अभी आपको एक मोगरा दिखाता हूँ मेरा, जो मैंने अभी इसका फ्लावर आने के बाद मैंने कट करे थे, तो उसकी ग्रोथ वापस देखिए कितनी अच्छी हो गई। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैंने इसको कट करा था तो इसमें नई ब्रांच निकली, यहाँ से कट करा तो इसकी दो नई ब्रांचेस निकली, और सब में देखिए फ्लावरिंग का वापस आने लग गई बर्ड्स। तो ये बेनिफिट होता है प्रूनिंग का, तो आप इससे डरिए मत, टाइम टाइम प्रूनिंग करिए। सॉफ्ट प्रूनिंग जो भी होती है इस टाइम पे कर सकते हैं हम। ये देखिए जैसे फ्लावर्स हटे, ये सब कर दीजिए नॉर्मल हर प्लांट में करिए, आपको बुशी करना है तो किसी भी तरह के प्लांट को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।